Hey guys, welcome back to my channel Creative Picnic. So guys, आज हम जो क्राफ्ट बनाएंगे उसके लिए न ही हमें पेपर चाहिए, न ही कार्डबोर्ड और न ही कोई प्लास्टिक की चीज. आज जिसको हम डेकोरेट करेंगे वो है क्लॉक. आज हम डेकोरेट करेंगे इस क्लॉक को. सो आप इसे देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये क्लॉक अभी थोड़ी बहुत बहुत सिंपल है. तो हम इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अट्रैक्शन पे करने के लिए से हम इसको करेंगे डेकोरेट. और डेकोरेट के लिए हमें चाहिए स्केल, स्केच पेंस और बीट्स. So let's start our video. So friends, first of all हम इस beads को line से cut कर लेंगे. So ये देखिए friends, हमने पूरी line काट ली है, कट कर ली है. लेकिन ये राउंड क्लॉक है तो ये इस पर ऐसी डायरेक्ट नहीं स्टिक हो पाएगी. इसके लिए हम इसे करेंगे ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस. अगर इसके ये स्मॉल स्मॉल पीसेस करने के बाद भी वो सर्कल पे नहीं आ रही तो आप इसके और भी पीसेस कट कर सकते हैं. हम इसको इस तरह से ऐसे पूरी क्लॉक को ऐसे डेकोरेट करेंगे. अब हम इस पे फेविकॉल लगा देंगे. और इसे कर देंगे स्टिक. ऐसे ही हम इसके और इस पूरे बीट्स के स्मॉल स्मॉल पीसेस कर करके हम इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे. सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम मैंने इसे पूरा ऐसे बीट्स से इसकी ब्लू लाइन पे ऐसे डेकोरेट कर दिया है. और ये मैंने इसे कट कट करके लगाया हुआ है क्योंकि ये हमारी जो बीट्स है वो लाइन वाइज है तो इसी सर्कल में आनी नहीं थी, मैंने आपसे बोला था. सो नेक्स्ट हम लाते इसके ग्लास पर. इस ग्लास पे हमें जरूरत पड़ेगी स्केल की और स्केच पेंस की. सो अब हम इस पूरे ग्लास को अलग अलग स्केच पेन से, जैसे कि मेरे पास अभी ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लू और लाइट ब्लू कलर है. अभी मैं इन्हीं से डेकोरेट करना चाहूँगी क्योंकि आई वॉन्टेड टू डेकोरेट माई ग्लास विथ दिस कलर ओनली. तो हम इनको डेकोरेट करेंगे. पहले हम इस पर जो लाइन बना लेंगे, ये जो हमारा मिडल वाला है इससे लाइन बना लेंगे. सो इसके मैंने 8 पार्ट्स बना लिए हैं. आप चाहे आप कितने भी पार्ट्स बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. अब हम इसे कलर करेंगे. मैं इसके अलग अलग कलर से ऐसे कलर करूंगी. ये देखिए मैंने इसे ब्लू कलर कर लिया है. ऐसे ही हम सारे पार्ट्स को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर करेंगे. सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा इसे इस तरह से कलर कर लिया है. सबसे अच्छी बात ये कि आप अगर स्केच पेन से कलर करते हैं तो आप अगर उसे रब भी करना चाहें
तो आप उसे रब भी कर सकते हैं। एक्चुअली अभी पेपर है, अगर आप उसे क्लॉथ से रब करेंगे तो वो कलर पूरा बाहर आ जाएगा, वो परमानेंट नहीं रहेगा। और फिर आप अपना कलर चेंज करके और भी कलर्स में ऐड कर सकते हैं। आप इस कलर्स को जो है डार्क मत कीजिएगा, वरना टाइम जो है दिखेगा नहीं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी क्लॉक है, ये सुंदर भी लग रही है। सो फ्रेंड, आपको ये मेरा वीडियो कैसा पसंद कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबाएं।